ही है ये मंदिर मोहब्बत का सफर है। जाले दिल के फैले हैं चले आओ ना जानू चले आओ ना जानू बहुत ही प्यार के काबिल बहुत ही प्यार के काबिल मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है। धड़क आहिस्ता से मोहब्बत का सफर है। बड़ी नाजुक है ये मंजिल मोहब्बत का सफर है। दोस्तों, हिंदुस्तानी मौसिकी एक तवील वक्त से आसमान की बुलंदी पर छाई हुई है। इसकी अहम वजह यहाँ के कदीम रिवायात का बने रहना है। हर एक मिजाज के लिए मुख्तलिफ राग हमारी मौसीकी में शामिल है, चाहे वो राग पहाड़ी हो, भीम पलासी हो, मालकोश हो या फिर अहीर भैरव। और इन सभी के साथ साथ गजल के दौर की अगर बात करें तो गजल ने उर्दू शायरी और गजल गायकी को एक नया मुकाम अता किया और आज इसके चाहने वालों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोग्राम है रंगे महफिल, ये उर्दू गजल की रोशनी को मुस्तकबिल के जरिए हर किसी के दिल तक पहुंचाता है ना। आप बने रहिए हमारे साथ। अगली गजल उस्ताद शुजात अली खान साहब की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूं। तेरा दर्द
दर्द मेरा नसीब है, तेरा इश्क मेरा जुनून है, तेरा दर्द मेरा नसीब है। गजलों की महफिल सजी है प्रोग्राम रंगी महफिल में आपके साथ, मैं आपके दोस्त जर्री। रेन मंडिया पर वक्त हुआ है 10:16। पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, पांव तक जख्मी हमारे तेरी खातिर हो गए, तुझसे मिलने की तलब में हम मुसाफिर हो गए। जाने क्या जादू था उसकी एक ही आवाज पर जान देने के लिए सब लोग हाजिर हो गए। चंदन दास की आवाज में ये अगली गजल आती जाती हर मोहब्बत। आती जाती हर मोहब्बत है, चलो यूं ही सही। आती जाती हर मोहब्बत है, चलो यूं ही सही। जब तलक है खूबसूरत है, चलो यूं ही सही। आती जाती हर मोहब्बत है, चलो यूं ही सही।
दुनिया नहीं जैसी होनी चाहिए थी, वैसी तो दुनिया नहीं जैसी होनी चाहिए थी, वैसी तो दुनिया दारी भी जरूरत है, चलो यूं ही सही आती जाती है मोहब्बत है, चलो ते भी लिबासों की तरह मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबासों की तरह, मैले हो जाते हैं रिश्ते भी लिबासों की तरह, दोस्ती हर दिन की मेहनत है, चलो यूं ही सही आती जाती है मोहब्बत है, चलो वो है तो क्या, हम कहाँ के देवता हैं, बेवफा वो है तो क्या, हम कहाँ के देवता हैं, बेवफा वो है तो क्या, घर में कोई घर की जीनत है, चलो यूं ही सही आती जाती है मोहब्बत है, चलो यूं ही सही, जब तलक है खूबसूरत है, चलो आती जाती है मोहब्बत है, चलो यूं ही सही। गजलों की महफिल सजी है, रंगे महफिल सुन रहे हैं आप जरीन के संग। रात बेचैन सी सर्दी में ठिठुरती है बहुत, रात बेचैन सी सर्दी में ठिठुरती है बहुत, दिन भी हर रोज सुलगता है तेरी यादों में। अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए। चांद यूं सजा चांद के
जफा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए। गजल गायकों में वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हुए हैं, लेकिन इसको एक नया अलहदा मुकाम देने में जगजीत सिंह का बेहद अहम किरदार रहा है, हिस्सा रहा है। गजल गायकी में पहली बार गिटार, वायलिन जैसे साजों का इस्तेमाल करके एक नया रूप पैदा करना, ये सिर्फ जगजीत साहब के ही बस की बात थी। उन्होंने वाकई उर्दू शायरी और उर्दू गजल को वो मुकाम अता किया जो उसे मिलना चाहिए था। उनके और उर्दू चाहने वाले ये बात कभी नहीं भूल सकते। और उनकी गजल की बानगी अगर सुनिए तो क्या कहें, उफ अल्लाह, एक से बढ़कर एक बेहतरीन गजल उनकी आवाज में। गोशा गुलेस्ता था कल रात जहां मैं था, हर गोशा गुलेस्ता था कल रात जहां मैं था, हर गोशा गुलिस्तां, हर गोशा गुलिस्तां था कल रात जहां मैं था, 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 हर गोश गुलिस्ता, हर गोश गुलिस्ता था कल रात जहां मैं था, कल रात, कल रात, कल रात, हर गोश गुलिस्ता, कल रात जहां मैं था, एक
जश्न बहारा था, कल रात जहां बैठा एक जश्न बहारा था, कल रात जहां बैठा हर गोशा गुलिस्तान। नगमे थे हवाओं में, नगमे थे हवाओं में, हवाओं में नगमे थे हवाओं में, जादू था फिजाओं में, नगमे थे हवाओं में, जादू था फिजाओं में, हर सांस गजल खाता, हर सांस गजल खाता, कल रात जहां मैं था हर सांस गजल खाता, कल रात जहां मैं था हर दरियाए महाबत में, दरियाए महाबत में कश्ती थी जवानी की, दरियाए महाबत में कश्ती थी जवानी की, जज्बात का तूफान था, कल रात जहां मैं था जज्बात का तूफान था, कल रात जहां मैं था कल रात, कल रात जहां, कल रात जहां मैं जज्बात कदमा। महताब था बाहों में, महताब था बाहों में, महताब था, महताब था बाहों में, जलवे थे निगाहों महताब था, महताब था बाहों में, जलवे थे निगाहों में, निगाहों में
महताब थबाओ जलवे तेरे गाओ हर सिमत चरागा था कल रात जहां मैं था हर सिमत चरागा था कल रात जहां मैं था कल रात वैसे तो जगजीत साहब की मादरी जबान पंजाबी रही, लेकिन वो पंजाबी और उर्दू दोनों जबानों में बात किया करते थे। उन्होंने उर्दू के साथ साथ इस जबान में भी अपनी काफी गजलें गाई और उसकी वानगी आपने देखी, बहुत ही मकबूल गजलें उन्होंने जिंदगी में गाई है और जो कि हमने संजो के रखा है और वक्त बे वक्त हम सुनते रहते हैं। वैसे किसी शायर ने कहा है खूब कि आए हैं समझाने लोग है कितने दीवाने लोग, दरो हरम में चैन जो मिलता क्यों जाते मैखाने लोग, अब जब मुझको होश नहीं है आए हैं समझाने लोग। आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम रंगे महफिल जरी के संग। Bye.
हकीकत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, रुदाद मोहब्बत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, दो दिन की मसल। आशा जी की आवाज में आपने ये गजल सुनी और वक्त बता दें स्टूडियो की घड़ी में 10:42 हुए हैं। तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो, तुम तो सर्दी की हंसी धूप का चेहरा हो, जिसे देखते रहते हैं दीवार से जाते हुए हम। अगली गजल आप तक पहुंचा रहे हैं चंदन जी की आवाज में, चंदन दास की आवाज की ये अगली गजल। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया, जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से, हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। इस बात की है, तुमको कुछ एहसास नहीं है, हैरत तो इस बात की है, तुमने तो बातों बातों दिल का छाला फोड़ दिया, तुमने तो बातों बातों दिल का छाला फोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना
सब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। रह रह कर ये सोच रहा हूँ, कौन है ऐसा जादूगर जिसकी एक आवाज ने बढ़ते, जिसकी एक आवाज ने बढ़ते तूफान का रुख मोड़ दिया। जिसकी एक आवाज ने बढ़ते तूफान का रुख मोड़ दिया। जब चाह जज्बात से खेले, जब चाह दिल तोड़ दिया। करना था क्या कर बैठे, सोचा समझा कुछ भी नहीं। क्या करना था क्या कर बैठे, सोचा समझा कुछ भी नहीं। तुम भी तन्हा हो मुझको भी, तुम भी तन्हा हो मुझको भी, तुमने तन्हा छोड़ दिया। तुम भी तन्हा हो मुझको भी, तुमने तन्हा छोड़ दिया। हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। जब चाहा जज्बात से खेले, जब चाहा दिल तोड़ दिया। ¡Ah!
बदलते मौसम की खांसी तो आम कॉफ सिरप नहीं, घर लाओ डाबर हनी टस। तुलसी मुलेठी हनी से बना, आयुर्वेदिक डाबर हनी टस अपना, खांसी का दुश्मन डाबर हनी टस। डाबर हनी टस, अब हनी टस के साथ ₹10 का हॉट सिप सैशे बिल्कुल मुफ्त। देखिए जाड़े की शुरुआत हो गई है, तो थोड़ा संभल कर खाइएगा, एहतियात रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप जिंदगी भर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कहा जाता है कि दिन का जो पहला खाना है वो खाना बहुत ज़रूरी होता है, और दिन का जो आखिरी खाना है वो भी जल्दी खाने की आदत डालिए। मतलब कि दिन की शुरुआत पर जल्दी खाइए और दिन ढलने पर भी जल्दी से खा लीजिए, क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि जो लोग सुबह का नाश्ता जल्दी करते हैं और रात का खाना भी लगभग 7 बजे या 8 बजे खा लेते हैं, यानी कि सूरज ढलने के बाद खा लेते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। तो अच्छी आदतों को शुमार करिए और अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे गज़लें तो हम आपको सुनवाएंगे ही, तो उससे भी मन बहुत खुश रहेगा। और अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी, ज़िंदगी बोझ नहीं लगेगी, इसे जीने की तमन्ना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब खूबसूरत गज़लें आप तक पहुँचती हैं तो उसे सुनने की तमन्ना और ज़्यादा बढ़ जाती है ना।
ऐसा सावन नहीं देखा, ऐसी बारिश नहीं देखी, ऐसी रिमझिम नहीं देखी, कैसी ख्वाहिश नहीं देखी। उसकी बेबाक सी बातें जैसे सर्दी की हो रात, उफ ये तन्हाई ये मस्ती जैसे तूफान में कश्ती। जैसे गीतों की रंगोली, सुख गालों पे पसीना जैसे फागुन का महीना, ऐसी आंखें नहीं देखी।